जिला न्यायालय में अर्जी निवेश का कार्य करने वाला राजेश बैरागड़े को फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला न्यायालय में अर्जी निवेश का कार्य करने वाला जयंती नगर दुर्ग निवासी को दुर्ग पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी राजेश बैरागड़े द्वारा ऋण पुस्तिका में छेड़छाड़ व कूट रचना कर आरोपियों को जमानत दिलाने का फर्जी कार्य किया करता था। वहीं प्रार्थी हेम सिंह ध्रुव हरिनगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग द्वारा संदेही राजेश बैरागड़े द्वारा किसान किताब में माननीय न्यायाधीश को संदेह होने पर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया गया, जिस पर किसान किताब की जाँच करने पर उसके पेज 20 से गुम पाए गए। इसके बाद माननीय न्यायालय अंकिता गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी की पता साझी कर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया। ये माननीय जेएमएफसी मैडम यहाँ से एक अपने पास में एक शिकायत आया था कि एक आदमी है राजेश बैरागड़े करके, जो कि जमानतदार के रूप में वहाँ पर में खड़ा होता है, और इससे पहले उसने एक बार जमानतदार के रूप में खड़ा हुआ और ऋण पुस्तिका पेश किया था। फिर दोबारा जो है कुछ दिनों बाद वो एक जमानत लेने के लिए फिर पहुँचा और ऋण पुस्तिका पेश किया, लेकिन उस ऋण पुस्तिका में जो पहले जिस जमानत लिया था उसका उल्लेख होना चाहिए था, वो उल्लेख वाली कॉपी उसमें थी नहीं। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट मैडम को पता चला इसके संबंध में कि ये यहाँ पर मैं फर्जीवाड़ा किया है और उस ऋण पुस्तिका में से उस पन्ने को निकाल कर फेंक दिया है और दोबारा वहाँ पर मैं खड़ा हो गया करके, इस आधार पर मैडम ने हम लोगों को निर्देशित किया था यहाँ पर मैं कार्रवाई के लिए, और उस पर से उस राजेश बैरागड़े के खिलाफ में एक FIR किया गया, जिसमें 420 467 468 471 के संबंध में और आरोपी को अभी जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।